किशनगंज के रानी बड़ौत में नेकी की दीवार का सरपंच द्रौपदी मीना द्वारा शुभारंभ किया गया। निर्धन पवार को बांटे गए वस्त्र। किशनगंज के रानी बड़ौत ग्राम पंचायत में नेकी की दीवार का रानी बड़ौत की सरपंच द्रौपदी बाई मीना द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। रानी बड़ौत में शुरू हुए नेकी की दीवार कल्ला बाई द्वारा निशुल्क दो दुकानों में किया गया। नेकी की दीवार के प्रदेश अध्यक्ष शंभुदयाल नागर, प्रदेश मंत्री मधु सुमन शर्मा, शिवाकी विनोद नेता, गजेंद्र सोना, बामाव सीना ढींगरा ने बताया कि जिला प्रशासन की पहल पर जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव के निर्देश पर शुरू हुई पैर स्मार्ट नेकी की दीवार हैप्पी सेंटर अपनापन सेवा संस्थान के सहयोग से संचालित की गई। अपार सफलता के बाद किशनगंज के रानी बड़ौत में भी नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नेकी की दीवार के शुभारंभ पर पहुंचे रानी बड़ौत के निर्धन परिवारों को निशुल्क वस्त्रों का वितरण किया गया और आगे भी जरूरतमंद लोगों को कपड़े, जूते, पुस्तक, बर्तन, खिलौने आदि नेकी की दीवार द्वारा निःशुल्क बांटे जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सरपंच रानी बड़ौत, सरपंच द्रौपदी मीना, पंचायत समिति सदस्य पुरुषोत्तम मीना, कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व विधायक हेमराज मीना, कल्ला भाई, विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप, विवेक चौधरी, मंडल महामंत्री मुकेश गुरदिया, जाकिर हुसैन, योगेंद्र नागर, परमानंद नागर आदि मौजूद रहे। वहाँ के लाभार्थियों को वही लाभ मिलेगा और ये एक गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बहुत अच्छी सोच रहेगी, बहुत अच्छी पहल रहेगी। जिसको कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, खिलौने ले जाने हो ले जा सकते हैं। अभी 12 हेड ऑफिस से 35,000 लगभग वहाँ से लाभार्थी हुए हैं। समरानिया नेकी की दीवार से लगभग वहाँ से 1100 वहाँ से लाभार्थी हुए हैं, 7,000 लाभार्थी हुए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ से भी हम देख रहे हैं आप सब लोगों के सहयोग से। और जो जिला प्रशासन द्वारा नेकी की दीवार के नाम से एक संस्थान ने जो गरीबों को सामान देने का जो योजना बनाई है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है। जो लोग इसमें जुड़े हैं, जो इसमें मदद कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जो अपने को गरीब लोगों को बहुत दिक्कत रहती है कई बार, तो जो अच्छे परिवार के लोग हैं, जो अपने सामान रखता है, सामान जो थोड़ा बहुत सेकेंड्स का सामान हो जाता है, उस सामान का घरों में उपयोग नहीं होता है, उस सामान वैसे ही पड़ा रहता है। तो आप सब मिल करके इकट्ठा करके गरीबों को पहुँचाएंगे, ये आपने बहुत अच्छी पहल की है। और कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस पहल में शामिल हो करके और सभी तहसील हेडक्वार्टर पर एक एक ऑफिस बना करके वहीं के लोगों को वहीं के द्वारा लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत अच्छी काम आपने पहल की है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई। और ये दो दुकानें कल्ला साहब, ये हमारे एक समाज सेवी कल्ला भाई है, उन्होंने इसमें अपनी दोनों दुकानें निःशुल्क दी। यहाँ अपना संस्था का ऑफिस चलेगा और यहाँ से ही लोगों को सारे सामान का वितरण होगा। इसके लिए कल्ला भाई को भी हम, जो हमारे भामाशाह भी हैं और सेवाभावी भी है, सामाजिक व्यक्ति, उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने हमको निःशुल्क ये दोनों दुकानें प्रदान की जो यहाँ हमारा ऑफिस स्थापित हुआ। ठीक है।